16 March 2021. First topic is Bhadar Dam. Recently, the Dam Safety Organization of the Central Water Commission has recommended the replacement of flood of Bhadar Dam. विच आर डैमेज इन द फ्लैश फ्लड इन ट्वेंटी फ़िफ्टीन हाल फिलहाल में डैल से डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल वाटर कमीशन ने रिकमेंड किया कि फ्लड केस जो बहारा डैम को उसको रिप्लेस किया जाए जो कि डैमेज हो गए थे फ्लैश फ्लड में कब ट्वेंटी फ़िफ्टीन में बहारा डैम इज लोकेटेड राजकोट एड इज सेकेंड लार्जेस्ट सौराष्ट्र रीजन आफ्टर सेफ्टीन जी डैम बहद्रा डैम राजोट में है और ये सेकेंड लार्जस्ट सौराष्ट्र रीजन का है पहला कौन सा है सेट रुंजी डैम बहादर डैम इज़ ऑन द भादर गुजरात रिवर भादर रिवर जो गुजरात में सौराष्ट्र रीजन गुजरात द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर दिस डैम स्टार्ट है नाइनटीन फिफ्टी टू इसका कंस्ट्रक्शन वर्क नाइनटीन फिफ्टी टू में स्टार्ट हुआ एंड वाटर फॉर इरीगेशन फ्रॉम इट वॉज गिवन टू फार्मर फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इरीगेशन का पानी फार्मर को दिया गया है नाइनटीन सिक्सटी थ्री में भादर रिवर द भादर इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ कातियाबाद सौराष्ट्र पैनसिला इन गुजरात भादर मेजर रिवर है घाटियावा सौराष्ट्र पैनन्सुलर गुजरात की इट ओरिजिनेट या वी राजकोट डिस्ट्रिक्ट व्डी राजकोट डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होटल तो एलिवेशन टू सिक्सटी वन मीटर है अबव मेन सी लेवल इट फ्लोज टू सौराष्ट्र रीजन एंड फाइनली कन्फ्लुएंस विद अरेबियन सी एंड नवी बनडर पोरबंदर ये फ्लो करता है सौराष्ट्र रीजन से फाइनली कन्फ्लुएंस अरेबियन सी एट नवी बंदर नवी बंदर का पोरबंदर में टोटल लेंथ ऑफ डिस्टिवर टोटल लेंथ डिस्ट्रिक River Kia, 198 km. It drains about one seventh of the area of Saurashtra. 1 by 7 uh, region, Saurashtra will rain. That the next index monitoring cell, pointing out that right to dissent should be the central focus of press freedom. इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पी साइन आर्टिस्ट्रक डिस नोट इन रिपोर्ट सबमिटेड बाई इंडेक्स मोनिटरिंग सेल राइट होने का डिसेंट शुड भी सेंट्रल फोकस फोकस होना चाहिए प्रेस फ्रीडम का इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पी साइन आर्टिस्ट्रक डिस नोट द रिपोर्ट की सबमिट करें किसके द्वारा इंडेक्स मोनिटरिंग सेल सेटअपो सेटअप किसने का इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी इस टास्क टू इंप्रूव इंडियाज रैंकिंग इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एंड टू इन ऑब्जेक्टिव याड स्टिक टू गॉज मीडिया फ्रीडम इसका टास्क क्या है कि इम्प्रूव कर इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और इवोल्व करे ऑब्जेक्टिव को या डे स्टिक टू गॉज मीडिया फ्रीडम लिए द ग्रुप विल आल्सो पुट इन प्लेस अ मैकेानिज्म फॉर स्टेट टू कम अपर ओन रैंकिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम ग्रुप ये भी करेगा कि मैकेनिज्म रखेगा इस्टेट के लिए कि वो अपनी खुद की रैंकिंग करे प्रेस फ्रीडम में कंपोजिशन में कौन कौन होगा IMC it will include the director general of the Press Information Bureau, director general of the Press Information Bureau, officials, Registrar Newspaper of India, Bureau of Outreach Communication, Press Facilitation Unit. Apart from secretary, secretary Press Council of India, Niti Ayubi. recommendation. Recommendation. Among the key recommendation is decriminalising of defamation section 4499. डी करना डिफेमेशन जो सेक्शन फोर नाइन्टी नाइन है इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्री इंडिया एक पहले उनमें से एक कंट्री है वर्ल्ड टू क्रिमिलाइज डिफेमेशन डिफेमेशन को क्रिमिलाइज करना द पैनल इज आल्सो रिकमेंडेड द कंसेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का भी कंसेंट लिया है इट इज़ प्री रिक्वेसाइड बिफोर फाइलिंग प्री रिक्वेसाइड बिफोर फाइलिंग एफ आई आर अगेंस्ट मीडिया और पब्लिकेशन अब हमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जानना होगा विदाउट बॉर्डर्स रिपोर्टर्स आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वर्क्स टू डॉक्यूमेंट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट जो डॉक्यूमेंट टू जर्नलिस्ट पे अराउंड द वर्ल्ड उस पर काम करता है पैरिस रैंक इंडिया का रैंक वन फोर्टी टू एट कंट्रीज एंड ट्वेंटी द पैरामीटर्स दैट आर इंक्लूडेड फॉर डीज रैंकिंग Uh, pluralism, media independence, environment, self censorship, legal framework, transparency, and among others. Next is Forex Reserves. India's foreign exchange reserves surpass Russia to become world fourth largest. India's foreign exchange reserves surpassed Russia to become uh, the fourth largest. डीज आर एसिस रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक ये एसिट है जो रिजर्व बैंक रिजर्व बाय रिजर्व किसने किया सेंट्रल बैंक फ़ॉरेन करेंसीज में विच कैन इंक्लूड इसमें बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल्स और बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं मोस्ट फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा रहा एक्सचेंज रिजर्व कहाँ पर यूएस डॉलर में डीज एसिस एसिस किस लिए इंश्योर करने के लिए सेंट्रल बैंक हैज पैकअप फंड द नेशनल करेंसी नेशनल करेंसी रेपिडली क्या डिवेल्यूटी और बिकम्स ऑल टूगेदर इंस्टॉलमेंट इट इज़ इम्पोर्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का एसेंशियल जरूरी एलिमेंट है एनालिसिस इकोनॉमिक एक्सटर्नल पोजिशन फॉरेक्स रिजर्व इंडिया में जो है फॉरेक्स रिजर्व और एक्सटर्नल एसेस एक्सटर्नल एसेस होते हैं एकोमलेटेड बाई जो इंडिया के द्वारा एकोमलेट है, होते हैं लेकिन कंट्रोल कौन करता है आर बी आई किस सौ में गोल्ड एस डी आर स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आई एम एफ या फिर फॉरन करेंसी ऐसे जैसे कि कैपिटल इनफ्लो हो जाए तो कैपिटल मार्केट में फॉरन डायरेक्ट या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरिंग Next is Reserve Position with IMF. <coughs> इंडियाज़ फॉर एक्स इज गवर्न बाई आर बी आई अंडर आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर इंडिया फॉर एक्स कवर है गवर्न किसके अंडर आर बी आई एक्ट आर बी आई नाइनटीन थर्टी फोर में इंडिया रिज़र्व क्या इन हफ टू कवर रफली एट्टीन मंथ ऑफ इम्पोर्ट कवर करेंगे बॉस्टा बाय रियर अकाउंट करेंट अकाउंट सप्लाई राइज क्या होगा इन्फ्लू बढ़ेगा लोकल स्टॉक मार्केट एंड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व चाइना के पास लार्जेस्ट रिजर्व है उसके बाद जापान उसके बाद स्विट्जरलैंड और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड टेबल नेक्स्ट इज एडवाइजरी कमेटी ऑन सरस्वती रिवर द सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी कमेटी फॉर स्टडिंग द मिथिकल सरस्वती रिवर फॉर नेक्स्ट टू ईयर्स दलिया पैनल टर्म एंड इन ट्वेंटी नाइनटीन हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट कर रही है एडवाइजरी कमेटी किस पर पढ़ने के बारे में मतलब स्टडी करेंगे मितिकल सरस्वती रिवर नेक्स्ट नेक्स्ट टू ईयर्स के लिए इसके पहले का पैनल अभी अभी ट्वेंटी नाइनटीन में ही एंड हुआ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए एस आई एस फर्स्ट सेटअप एडवाइजरी कमेटी उन्हें सबसे पहले एडवाइजरी कमेटी सेटअप किया था फॉर पढ़ने के लिए रिवर सरस्वती ट्वेंटी सेवनटीन दो साल के लिए डाकेटीज द कमेटी हैज़ नाउ बीन रिकॉन्स्टिट्यूट इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है पर्पज़ टू स्टडी द मिटिकल सरस्वती रिवर मिटिकल सरस्वती रिवर के बारे में पढ़ने के लिए एंड ड्रॉप अ प्लान टू तो ए टेंटी फर्स्ट बेसिस और डिफेंस पाथ चेयर्ड बाय कमेटी चेयर्ड बाय द कल्चर मिनिस्टर कमेटी चेयर कौन करेगा हेड कौन करेगा कल्चर मिनिस्टर इट वुड इंक्लूड ऑफिशियल्स कल्चर टूरिज्म वाटर रिसोर्स एन्वायरमेंट फॉरेस्ट हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्ट्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्टोम ऑफिशियल्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हरियाणा राजस्थान एंड ऐसे ऑफिशियल हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है सरस्वती रिवर इज मिस्टिकल रिवर मैंशन किसमें रिग बेदा में मैंशन है लेटर वेडिक एंड पोस्ट वेडिक टेक्स्ट में रिवर प्ले एन इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती वैदिक रिलीजन एपियरिंग इन ऑल सब में है ये देखिए अगर ये दिया हुआ अब तो research, analysis, है अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जाना होगा तो ए एस एस प्राइमेट ऑर्गेनाइजेशन आर्कोलॉजिकल रिसर्च साइंटिफिक एनालिसिस एक्सकविशन है आर्कोलॉजिकल साइट है कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन किसके लिए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के लिए नोडल मिनिस्ट्री क्या है अटैच विदिस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये अटैचेड डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंटर फाउंडेडेडेड बाई इसको फाउंड किसने कहा था एटीन सिक्सटी वन में बाय अलेक्जेंडर कनिंगम जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ए एस आई नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटाइजेशन कोर्स वायरल रिपोर्ट इंडिया रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन क्लासीफाइज इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी इन एनुअल रिपोर्ट नेम ऑटोक्रेटाइजेशन गोज़ वायरल ऑफ स्वीडन बेस्ड वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी वी डैम इंस्टीट्यूट हाल फिलहाल में क्या हुआ इंडिया को क्लासीफाई किया गया एलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में जो कि अनुअल रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया ऑटोक्रेटाइजेशन गोज़ वायरल ऑफ स्वीडन बेस्ड जो कि वैराइटीज़ ऑफ़ डेमोक्रेसी मतलब वी डैम इंस्टीट्यूट है रिलीज़ किसने क्या वी डैम इंस्टीट्यूट वैराइटीज़ ऑफ़ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गनाइजेशन है ट्वेंटी फोर्टीन स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टैफन लिंडबर्ग ऑब्जेक्टिव क्या है रिपोर्ट समराइज करेगा स्टेट डेमोक्रेसी वर्ल्ड अगेंस्ट बैकड्रॉप डेवलपमेंट ओवर पास देखे डेट क्या है रिपोर्ट गैदर इन डेटा डेटा यूजिंग सर्विस फ्राम डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे एक्सपर्ट एंड एनालाइज यूजिंग स्टेटिस्टिक मॉडल इंडिया पोजिशन इंडिया की पोजिशन इंडिया वॉज प्रीवियसली क्लासीफाइड पहले तो इंडिया को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कहा जाता है हाउ एवर लेटेस्ट रिपोर्ट ने इसको इलेक्टोरल एटोक्रेसी बोला गया इंडिया इज़ नाउ एज ऑटोक्रेटिकानज़ वर्स एंड बोथ एज इज नेबर बांग्लादेश एंड नेपाल इंडिया अब ऑटोक्रेटिक हो गया जैसे पाकिस्तान ईवन से भी बुरा जैसे उसके नेबर बांग्लादेश एंड नेपाल है इंडिया इज आल्सो अमंग ट्वेंटी फाइव ऑटोक्रेटाइजिंग नेशन अलॉन्ग विद ब्राज़ील टर्की एंड अदर कंट्रीज प्लेस ऑफ वर्शिप इस्पेशल प्रोविजन एक्ट नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर टू रिस्पॉन्ड टू अ प्ली चैलेंजिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट नाइनटीन नाइनटी वन विच फ्रीजेज द स्टैच्यू ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट वॉज ऑन फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन अभी अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंटर को क्या आप रिस्पॉन्ड करें प्ली uh, पे जो चैलेंजिंग कर रहा है चैलेंज कर रहा है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाइनटीन नाइन्टी वन को जिसमें क्या कर रहा है फ्रीज करेगा स्टेटस ऑफ प्लेसेज ऑफ वर्शिप जैसे कि जो फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन डायरेक्ट वॉज पास इन नाइनटीन नाइन्टी वन एक्ट नाइनटीन नाइनटी वन में पास हुआ इट सीक्स टू मेन्टेन द रिलीजियस कैरेक्टर रिलीजियस कैरेक्टर को मेनटेन करेगा ऑफ प्लेसेज ऑफ वर्शिप एट इट वॉज नाइनटीन फोर्टी सेवन जैसे कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट वॉज एक्जाम्पटेड इसको एक्जैम्प्ट कर दिया था इस एक्ट में परपज़ क्या है सेक्शन थ्री इट्स सेज डैट नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ़ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इन टू वन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन ऑफ सेक्शन इसमें बोला गया है कि कोई भी कोई भी पर्सन कन्वर्ट नहीं कर सकता कोई भी पूजा करने वाली या वर्शिप करने वाली प्लेस को रिलीजियस डिनमिनेशन इन टू वन डिफरेंट कोई और डिनोमिनेशन या सेक्शन में सेक्शन फोर और टू सेक्शन फोर टू का यह बोला गया ऑल केसेस फॉर कन्वर्टिंग जो भी केसेस कन्वर्ट करने के लिए कैरेक्टर प्लेस ऑफ वर्शिप और पेंडिंग जो पेंडिंग थे फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन तक विल स्टैंड अपडेटेड विथ एनफोर्समेंट को एनफोर्स किया जाएगा ऑफ डिस एक्ट नो फ्रेश प्रोसीडिंग्स कैन भी फाइल अब कोई भी फ्रेश प्रोसीडिंग फाइल नहीं की जाएगी हाउ एवर लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड इज द चेंज ऑफ द स्टेटस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ वर्शिप टेक प्लेस आफ्टर द कट ऑफ़ डेट ऑफ फिफ़्टीन ऑगस्ट नाइन्टीन फोर्टी सेवन लीगल प्रोसीडिंग इस्टार्ट हो सकती है अगर स्टेटस चेंज हो रहा है कोई रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ वर्शिप का या फिर कट ऑफ डेट फिफ्टीन ऑगस्ट नाइन्टीन फोर्टी सेवन के बाद सेक्शन सी सेक्शन सिक्स ई इट प्रिस्क्राइब्स थ्री ईयर एम्प्रजनमेंट एंड अ फ़ाइन फॉर ब्रीज फॉर प्रोविजन ऑफ द एक्ट सेक्शन सिक्स क्या बोल रहा है तीन साल का एम्प्रजनमेंट ऑफ फ़ाइन अगर आपने ब्रिज कैस प्रोविज़न एक्ट के प्रोविजन को सेक्शन फाइव ई सेज इट दैट एक्ट शैल नॉट बी अप्लाइड टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के सेक्शन फाइव ई में क्लियर मेंशन है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में डिस्प्यूट में नहीं होगा अप्लाई एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज ई थ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मिनिस्टर फॉर पावर लॉन्चिंग मिनिस्टर फॉर पावर ने लॉन्च किया है एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज ई थ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के इसलिए ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज का सर्टिफिकेशन स्कीम है इट एम्स टू रिकॉगनाइज बर्न क्ले ब्रिक बर्न क्ले ब्रिक को मैन्युफैक्चर अडॉप्ट करें एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग इसके बाद क्या है एनकरेज करें कस्टमर्स को कि जो सोर्स ब्रिक है सच एज ई थ्री सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी विल प्रोवाइड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा ये जी ई थ्री सर्टिफिकेशन कैसे अवॉट किया जाएगा ब्रिक मैनुफैक्चरिंग एंटरप्राइज नीड टू मीट मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कन्जम्पन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ये क्या करेगा मीट करेगा जो पूरी करेगा जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कन्जम्पन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है सिग्निफिकेंस कैट द प्रोग्राम विल हेल्प द ब्रिक इंडस्ट्री शिफ्ट टू वर्स मोर एफिशियंट टेक्नोलॉजी सचेज एनर्जी एफ एफिशिएंट ये प्रोग्राम से क्या होगा इंडस्ट्री को ये हेल्प करेगा कि वो शिफ्ट करें जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट हो ब्रिक्स ज़्यादा यूजफुल हो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो कि ई के अंदर आएगा नेक्स्ट इज क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग इंडिया रिसेंटली ज्वाइन यू एस जैपान एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर मिनिस्ट्रियल मीटिंग अंडर क्वार इंडिया ने हाल फिलहाल में अभी अभी ज्वाइन किया है यू एस ऑस्ट्रेलिया किस मीटिंग के लिए क्वार के लिए डिस्कस क्या इशू oh, डिस्कस हो रहा है इंडो पैसिफिक एंड मिलिट्री टेक ओवर कहाँ पर म्यांमार में जो क्वेड है वो क्या इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इंडिया यू एस जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में शेयर ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर सपोर्ट फ्री ओपन प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन फ्री ओपन और प्रॉस्परस और इंडो पैसिफिक रीजन ये है हमारा इंडो पैसिफिक रीज़न इंडिया भी इसमें आ रहा है देखिए तो क्वाड पूरे इसमें ऑस्ट्रेलिया ये सब चीज़ इसमें आ रही है तो हमें इसको उसकी लोकेशन को देख देख जो क्वाड का आइडिया फर्स्ट बाय का फर्स्ट किसने मोट किया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो है टू थाउजेंड सेवन में हाउ द आइडिया कुडन मूव अ हैड आइडिया आगे नहीं बढ़ पाया बेट ऑस्ट्रेलिया पुलिंग आउट का ऑस्ट्रेलिया रुका ड्यू टू चाइनीज प्रेशर पुल आउट कर रहा था वो डिसंबर 2012 में शिन्सू अभी ने अगेन ये कॉन्सेप्ट रखा एशिया डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान को इन्वॉल्व किया यू एस ए टू सेव गार्ड मैरी टाइम जो कामस है इंडिया ओशन टू वेस्टर्न पैसिफिक इसको नवंबर 2017 में क्या हुआ इंडिया यूएस एस एंड ऑस्ट्रेलिया जापान ने एक शेप दिया लॉन्ग पेंडिंग जो क्वैट को चल रहा था इन 2020 जो भी ऑल फोर क्वैड कंट्रीज़ है जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया यू उन्हें पाट लिया मालाबार एक्सरसाइज में नेक्स्ट इज मिशन सत्यनिष्ठ। इंडियन रेलवे एज लॉन्च मिशन सत्यनिष्ट ये भारतीय रेलवे ने इसको लॉन्च किया है एम द मिशन एम्स एज सेंसिटाइजिंग ऑल रेलवे एम्प्लाइज अबाउट नीड टू एड एयर गुड इथिक्स एंड टू मेंटे हाई स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रिटी एट वर्क क्या हुआ है सेंसिटाइज करने के लिए पूरे रेलवे एम्प्लॉयज को की ज़रूरत है कि उनको गुड इथिक्स मेंटेन करने का और हाई स्टैंडर्ड्स इंटीग्रिटी भी अपने वर्क पे लाएं ऑबजेक्टिव कै ट्रेन एवरी एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड आर नीड एंड वैल्यू ऑफ इटिक्स इन पर्सनल पब्लिक लाइफ ट्रेन करना हर एम्प्लॉ को और वो समझे कि वैल्यू ऑफ एथिक्स की क्या ज़रूरत है पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ में टू डील विद एथिकल डिलेमा जो एथिकल डिलेमाज को वो डील कर पाए पब्लिक गवर्नेंस में टू वेल्फ अंडरस्टैंड द पॉलिसीज ऑफ इंडियन रेलवेज इंडियन रेलवेज की पॉलिसीज को समझ पाए एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एम्प्लॉयज रोल इन अपोल्डिंग सेम टू डेवलप इनर गवर्नेंस टू टैपिंग इनर सोर्सेज डेवलप करें इनर गवर्नेंस टैपिंग इनर सोर्सेज नेक्स्ट इज बारा लाचा पास फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन बी आर ओ ने स्टार्ट किया रीओपनिंग से बारालाचा लाचा पास कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल्ड टूरिस्ट हो एक्टिविटी कहाँ ले लद्दाख में बारालाचा लाचा पास हाई माउंटेन पास है कार रेंज में कनेक्ट लाहौल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश से टू लेह डिस्ट्रिक्ट कहाँ लद्दाख जो कि लेह टू मनाली हाईवे द द पास आल्सो एक्ट वाटर डिवाइड वाटर डिवाइड है भागा रिवर और यूनम रिवर के बीच में सिपरी रिपोर्ट आई है आर्म्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के लिए जिसको रिलीज किया है स्वदेश के थिंक थिंक स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट सिपरी इंडिया ने कंटिन्यू किया है टू रिमेन सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है आफ्टर सऊदी अरेबिया यू एस लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है टू इंडिया इन ट्वेंटी टू फिफ्टीन बट इन ट्वेंटी सिक्सटीन से ट्वेंटी में क्या हुआ इंडिया के आर्म्स इम्पोर्ट के यू एस इंडिया आर्म्स इम्पोर्ट फ्राम यू एस फोर्टी सिक्स परसेंट लोअर डू ए प्रीवियस फाइव ईयर मेकिंग यू एस फोर्थ लार्जेस्ट सप्लाई बना ट्वेंटी सिक्सटीन टू ट्वेंटी रशिया वॉज द लार्जेस्ट आर्म सप्लायर रशिया लार्जेस्ट आर्म सप्लायर टा फ्रांस एंड इसराइल वर्ल्ड आज सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट आर्म फ्रांस और इसराइल सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर नेक्स्ट है अडानी पोस्ट टू डेवलप कंटेनर टर्मिनल इन श्रीलंका अडानी पोर्ट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है अडानी ग्रुप फर्म उन्हें रिसीव किया लेटर ऑफ इंटेंट एल वाई फ्राम श्रीलंकन गवर्नमेंट डेवलप करेंगे ऑपरेट वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डब्ल्यूसीटी सी टी कोलम्बो डब्ल्यू सी टी डेवलप करेगा बिल्ट ऑपरेट करेगा ट्रांसफर बेसिस थर्टी फाइव ईयर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डब्ल्यू सी टी विल हैव अवे लेंथ क्वेल करें फोर्टीन हंड्रेड मीटर अलॉन्ग साइड कितना ट्वेंटी मीटर डेयर फॉर मेकिंग इट प्राइम ट्रांसशिपमेंट कार्गो डेस्टिनेशन टू हैंडल कितना अल्ट्रा लार्ज कंटेनर कैरियर्स नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट री हैप रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्ट यूजिंग बीज ये एक इनिशियटिव है खार्डी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के वी आई सी का सबमिशन है नेशनल हनी मिशन के अंदर इट एंड टेंस टू क्रिएट बी फेंसेस, बी फेंसेस बनाए टू हॉट टू एलिफेंट अटैक टू ह्यूमन हैबिटेशन यूजिंग जो हनी बीस को यूज़ करते हैं पायलट प्रोजेक्ट है कहाँ हुआ कोडुगु कर्नाटका में कोडुगू कर्नाटक का इट एंड टेल्स इंस्टॉलिंग बी बॉक्सेस बी बॉक्स इंस्टॉल किया जाएगा पैरी फेरी मतलब तो फॉरेस्ट के पास वाले एरिया में एंड द विद द बिलीव जो विलेज ये बिलीव इन दैट एलिफेंट विल नॉट वेंचर एनी वे क्लोज टू द बीच वो बीच के पास नहीं आएंगे एंड डज अवॉइड ट्रांसग्रासिंग ट्रांसग्रासिंग भी हो जाएगी इन टू ह्यूमन लैंडस्केप उसको भी रोका जाएगा दिस आइडिया स्टैम्प फॉर द एलिफेंट प्रूवन फेयर ऑफ द बीज एलिफेंट प्रूवन फेयर ऑफ द बीज से बचाया जाएगा नेक्स्ट इज अया वैकुंडा स्वामिकल आया वैकुंडा स्वामीकल ग्रेट थिंकर सोशल रिफॉर्मर है नाइनटीन सेंचुरी के वो किस टैम पे ट्रैवन कोर्क में थे प्रिंसली किंगडम नाइनटीन सेंचुरी उनने समतवा समाजम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट किया था इंडिया में एटीन थर्टी सिक्स वो थे है? फर्स्ट जिन्हें इंस्टॉल किया था मिरर फॉर वर्शिपिंग इन साउथ इंडिया ठीक है मिरर उन्होंने क्या था सबसे पहले इंस्टॉल फर्स्ट एक्सपोनेंट उन्हें तो न्यू पाथ लाया स्पिरिचुअल था जिसको बोलते हैं आयावजी उनने बोला वन कास्ट वन रिलीजन वन क्लेन वन वर्ल्ड वन गॉड ही लेड एजुकेशन नोन जो एजुकेशन लॉन्च किया कहना था मेल मुंडू समरम ओके वट इज ट्रू नेट प्राइवेटली डिजाइन टेस्ट है ये वर्कस ऑन द सेम किस प्रिंसिपल आर टी पी सी आर मतलब एक छोटी सी किट है जो फास्टर रिजल्ट है डिजाइन किया है मॉल बी और डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने गोवा कॉमनली यूज करा है ट्यूबर क्लासेस एच आई वी टेस्टिंग के लिए आई सी एम आर ने अप्रूव किया ट्रू नेट को किस लिए स्क्रीनिंग करने कन्फर्मेशन फॉर कोविड नाइन्टीन ओके फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट